वेलकम टू आवर चैनल डेल्टा फोर्स। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी 15 जनवरी यानी कि आर्मी डे को अपने नए डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण करने जा रही है। यह यूनिफॉर्म डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न पर आधारित रहेगा, जो कि लगभग 13 साइजेस में अवेलेबल होगी। अभी के समय में भारतीय सेना फ्रेंच वुडलैंड कैमोफ्लेज इंस्पायर्ड PCDPM कैमोफ्लेज पैटर्न का उपयोग करती है, जिसे 10 से 12 साल पहले अपनाया गया था। नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से 15 पैटर्न, 8 डिज़ाइन और 4 फैब्रिक के ऑप्शंस के माध्यम से डेवलप किया गया है। इंडियन आर्मी के नए यूनिफॉर्म का फैब्रिक लाइटवेट होगा और जल्दी सूख जाएगा, जिससे किसी ऑपरेशन के दौरान ये सैनिकों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। नई यूनिफॉर्म ड्यूरेबल होने के साथ साथ समर्स और विंटर्स में भी कंफर्टेबल रहेगी। इस नए यूनिफॉर्म को ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट और वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनमें सेना ऑपरेट करती है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें शर्ट्स को ट्रूप्स द्वारा टक्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर स्ट्रिप्स, जो कि रैंक डिनोट करते हैं, उसको फ्रंट बटन की ओर मूव किया जा सकता है, जैसा कि कई प्रमुख देशों की आर्मी में होता है। नई यूनिफॉर्म ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। इस यूनिफॉर्म को वाइड रेंजिंग डिस्कशन और दूसरे प्रमुख देशों की यूनिफॉर्म को एनालिसिस करके फाइनल किया गया है।